उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मस्जिद में जानवरों के हड्डियों के गोदाम से आती है दुर्गंध। नमाज अदा करते समय आती है दुर्गंध। आपको बताते चले, थाना वारादरी के रोली टोला के क्षेत्रवासियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए बताया कि पुलिया वाली मस्जिद एवं सरस्वती शिशु मंदिर पास में ही है। वहीं एक व्यक्ति अवैध रूप से घर में ही गोदाम बनाकर भैंसों की हड्डियों का कारोबार करता है, जिससे मस्जिद में नमाज के लिए आने वाले नमाजियों और स्कूल में आने वाले बच्चे भयंकर बदबू से परेशान हैं। कई लोगों में बीमारी भी फैल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफरुल्ला है। मैं रहने वाला पुराना शहर बदरिया इनाजगंज बरेली। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरी जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे दाहिने हाथ पे मस्जिद है और बाएं हाथ पे हड्डियों का बहुत बड़ा गोदाम है। पर डे छोटी गाड़ी हाथी के हिसाब से गाड़ी हड्डी आती है और जाती है और बदबू के मारे मस्जिद में नमाजी रुक नहीं पाता है। खिड़कियाँ बंद कर रखी चारों तरफ, उसके बावजूद भी इतनी गंदगी आती है कि नमाजी भाग रहे हैं, दूसरी मस्जिदों में जाकर नमाज अदा कर पा रहे हैं। उससे कुछ कहते हैं तो वो गाली गुफ्तारी करता है, बदतमीज इंसान है, इस वजह से कोई मुँह लग नहीं पाता है। उसकी शिकायत करी बारादरी में काकाटोले पुलिस चौकी पे, पुलिस आती है, वो कुछ ले दे के बातचीत करके चले जाते हैं, हासिल वसूल कुछ नहीं होता। काम कर रहे हैं वो भी, उनका नाम बताओ। पैकर है, पैकर वारसी साहब, उसके वालिद का नाम है वारसी और उसकी वालदा भी हैं, साथ में तीनों जने मिल के कारोबार करते हैं। किस जगह का मामला है? बदरिया इनाजगंज पुराना शहर पुलिया वाली मस्जिद नियर साजन पैलेस। हम चौकी गए, काका टोले बारादरी गए, बस ऐसी कहा सुने। अभी तो यहाँ पर एस एस पी के गए, डी एम साहब के यहाँ गए, अभी तो इन लोगों से कहा है, देखिए बहुत ज्यादा परेशानी है।